सो बेसिकली मुझे अभी पता चल गया कि मैंने नशे में उनसे सब कुछ कह दिया, कन्फेस कर लिया, और अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी। तो मुझसे बुलबुल कहती है कि तुम बोल नहीं सकती उनसे अपनी बात, तो लिख कर दे। तो फिर आपने उस लव लेटर में लिखा क्या एग्जैक्टली? वो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, वो आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाई देगा कि उसमें क्या लिखा है। फाइनली आप बोलोगे आई लव यू अभी को? चिट्ठी में तो लिख दिया, अब देखिए उन तक पहुँचता है या नहीं। अच्छा, शादी के पीछे या एंगेजमेंट के पीछे बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं, एक लव स्टोरी के बीच में ये कुछ नई लव स्टोरी होने जा रही है। हाँ, हो तो रही है, अब होती है या नहीं सक्सेसफुल वो देखेंगे आगे शो में। और अगर लव लेटर की ही बात करी जाए, कभी आपको मिले हैं? क्योंकि आप, मुझे किसी ने कभी लव लेटर नहीं दिया जब मैंने किसी को दिया। थैंक यू। हाँ, नहीं इतने मिनट तो बात बुलबुल की सगाई हो रही है, अभी उनको काफी दर से सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वाकई बहुत मुश्किलों से पूरब और बुलबुल एक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि सबको पता था इतने दिनों से कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से दोनों को अपना अपना प्यार सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। सो इट्स वेरी गुड दैट नाउ दे आर एक्चुअली गेटिंग मैरिड और उनकी सगाई हो रही है, और क्योंकि वो खुश है वो चाहते हैं कि मैं भी खुश हो जाऊँ, इस वजह से वो चाहते हैं कि मैं अभी से कन्फेस कर लूँ अपनी बात। नहीं, एक्चुअली आलिया ने खुद आके बुलबुल से सॉरी कहा, और वो खुद इनिशिएटिव ले रही है बुलबुल और पूरब की शादी कराने का, तो मुझे ये लगता है कि वो सुधर गई है। आपने कोई स्पेशल गिफ्ट प्लान किया बुलबुल के लिए? पूरब है उसका गिफ्ट। थैंक यू।